हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चों, लास्ट की ऑनलाइन क्लास में हमने खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत पढ़े थे, और खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं वर्णन कीजिए। तो आज की क्लास हमारी इसी क्वेश्चन के ऊपर होगी, ठीक है, इसी टॉपिक पर होगी कि खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम उनका वर्णन करेंगे। मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, जिससे कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए, एक एक पॉइंट इसमें। ठीक है बच्चों, खरपतवार नियंत्रण की विधियों से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि खरपतवार नियंत्रण किसे कहते हैं। ठीक है, तो खरपतवारों की सघनता को शिथिल करने की प्रक्रिया, ठीक है, शिथिल मतलब कम करने की प्रक्रिया खरपतवार नियंत्रण कहलाती है, अथवा खरपतवारों की सघनता को शिथिल करने की प्रक्रिया खरपतवार नियंत्रण कहलाती है, अथवा जिन तरीकों से खरपतवारों को नष्ट किया जाता है उन्हें खरपतवार नियंत्रण की विधियां कहा जाता है। खरपतवार नियंत्रण की प्रमुख विधियां चार प्रकार की हैं, ठीक है, भौतिक विधियां, सेकंड है सस्य वैज्ञानिक विधियां, थर्ड है जैविक विधियां बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, रासायनिक विधियां। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर फिजिकल मेथड्स, देन सेकंड हो जाएगा एग्रोनॉमिकल मेथड्स, एंड थर्ड हो जाएगा बायोलॉजिकल मेथड्स, एंड फोर्थ हो जाएगा केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ हमने देख ली हैं, चार प्रकार की हैं मुख्य। अभी हम इन चार प्रकार की विधियों का वर्णन करेंगे, डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट, खरपतवार नियंत्रण की जो विधि है यह है भौतिक विधियाँ, ठीक है, इनको यांत्रिक विधियाँ भी कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण की ये विधियाँ प्राचीन काल से प्रचलित हैं, ठीक है, तो ये प्राचीन समय से ही चलती हुई आ रही हैं। एक बार और देख लेते हैं, भौतिक विधियाँ, इनको यांत्रिक विधियाँ भी कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण की ये विधियाँ प्राचीन काल से प्रचलित हैं। वर्तमान समय में इन विधियों का प्रयोग पौधशाला, लॉन, ठीक है, पौधशाला मतलब जो नर्सरी लगाई हुई होती है गाँवों में, आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपनी नर्सरी बनाई हुई होती है, जहाँ पे वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फुलवारी होती है, वो उसको सेल परचेज करते हैं। ठीक है, लॉन तथा फूलों की क्यारियों में खरपतवार नियंत्रण हेतु किया जाता है। जो भौतिक विधियां हैं इनका प्रयोग, इन विधियों का प्रयोग पौधशाला, लॉन तथा फूलों की क्यारियों में खरपतवार नियंत्रण हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भौतिक विधि में विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। समझ आ गया यहाँ तक आप सभी को? खरपतवारों के नियंत्रण हेतु निम्न भौतिक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट है हाथ से उखाड़ना, सेकंड है निराई गुड़ाई करना,
थर्ड है मोवर का प्रयोग, फोर्थ है जल भराव, फिफ्थ है मल्च का प्रयोग, सिक्स्थ है भू परिष्करण क्रियाओं के द्वारा, और लास्ट है भूमि की सतह पर आग से जलाना। ठीक है, तो बच्चों हम इनका भी डिटेल में वर्णन करेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इनमें भी हम एक एक दो दो लाइनें लिख देंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें तो आप बना करके भी लिख सकते हैं, हाथ से उखाड़ना, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं हमारे गमलों में लगे हुए होते हैं, तो उनमें जो खरपतवार उगाता है घास फूस, उनको हम हाथ से ही उखाड़ देते हैं। ठीक है, जो अनावश्यक घास फूस होता है, और इसमें भी आप बना करके लिख सकते हैं एक दो लाइन, निराई गुड़ाई करना ये खुरपी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, जो अनावश्यक घास फूस होता है उनको खुरपी की सहायता से मिट्टी से निकाल दिया जाता है। जल भराव यानी कि उनके अंदर जल भर के। ठीक है, और यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं आप, इस हेडिंग में भी, भूमि की सतह पर आग से जलाना। ठीक है, यह आपने देखा भी होगा। सेकंड विधि है सस्य वैज्ञानिक विधियाँ। कृषि के प्रारंभ से ही खरपतवारों को नष्ट करने की सस्य वैज्ञानिक विधियाँ भी किसी न किसी रूप में प्रयोग की जाती रही हैं। ठीक है, सस्य विधियों के प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण करने पर पौधों की वृद्धि खरपतवारों की तुलना में तेजी से होती है। ठीक है, जब हम अपनी फसलों में सस्य विधियों का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण करने पर पौधों की वृद्धि, जो उसमें खरपतवार होते हैं, उनकी तुलना में अधिक तेजी से होती है, जिससे खरपतवारों के पौधों की वृद्धि शिथिल हो जाती है। ठीक है, जो खरपतवार होते हैं फसल में, उनके पौधों की वृद्धि कम होती जाती है धीरे धीरे। इन विधियों में उत्तम फसल प्रबंध से संबंधित सभी उपाय सम्मिलित किए जाते हैं। सस्य वैज्ञानिक विधियों में उत्तम फसल प्रबंध से संबंधित सभी उपाय सम्मिलित किए जाते हैं या होते हैं, अतः इन्हें कृषिकृत विधियाँ अथवा कृषण क्रियाओं संबंधी विधियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें कृषिकृत विधियाँ और कृषण क्रियाओं संबंधी विधियाँ भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ये है हमारी खरपतवार नियंत्रण हेतु सस्य वैज्ञानिक विधियाँ। ठीक है, फर्स्ट है इसमें फसल चक्र। तो हम जो फसलें लगाते हैं उसमें हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही फसल उगा रहे हैं। ठीक है, तो फसलों को हेर फेर से बोना चाहिए। सेकंड है फसलों का चुनाव। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। तो इसमें फसलों का चुनाव भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए कि अगर हम एक बार ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसमें अधिक जल की आवश्यकता है, तो नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसको जो कम सिंचाई में भी हो जाए। ठीक है, या फिर अगर एक फसल हम एक हमें दलहनी लगानी चाहिए। ठीक है, एक खाद्यान्न फसल लगानी चाहिए, उसके बाद में फिर दलहनी फसल लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। ठीक है, और इस फसलों का चुनाव करने पर या हेर फेर करके फसल बोने पर खरपतवार पर भी नियंत्रण रहता है। थर्ड है भू परिष्करण क्रियाएं। फोर्थ है पलेवा सिंचाई। फिफ्थ
इसका भी मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बुआई का समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी इसके अंदर सस्य वैज्ञानिक विधियों में बुआई की गहराई, बीज दर एवं अंतरण। नेक्स्ट है कार्बनिक खादों का प्रयोग, हमें फसलों में कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। भूमि सुधारकों का प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक प्रयोग करने की विधि, भूमि को परती छोड़ना चाहिए और परती भूमि में पानी भरना चाहिए। खेत की तैयारी एवं अंतरासस्यन, फसल कटाई की विधि। तो बच्चों ये थे आपके सस्य वैज्ञानिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने की ये कई विधियाँ थी, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारी खरपतवार नियंत्रण की दो विधियाँ और रहती हैं, एक हमारी रहती है जैविक विधि बायोलॉजिकल मेथड और एक रहता है हमारा रासायनिक विधि, ठीक है, केमिकल मेथड्स। तो उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पर ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप इन सब के नोट्स बना करके मुझे आप सेंड कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो बच्चों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।